तबलीगी जमात से जुड़े हुए 21 लोगों की सूचना मिली थी, सबको हॉस्पिटल के क्वारंटीन में लाया गया था और सभी का सैंपल भेजा गया था गोरखपुर। कल रात में हमें 17 लोगों की रिपोर्ट आई है जिसमें से 6 पॉजिटिव पाए गए हैं। 4 लोगों का फिर से सैंपल आज भेजा जाएगा। इसके अलावा जो उनके बिल्कुल क्लोज कॉन्टैक्ट में थे उनके फैमिली मेम्बर्स, उन 35 लोगों में यहाँ पे लाया गया है, आज उनका सैंपल फिर से भेजा जाएगा। उस गांव में चार गांव के लोग हैं, ये कुलवी थाना और पुरंदरपुर थाने के 4 गांव के लोग हैं। उन चारों गांव को कम्प्लीटली सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। वहां आज सुबह से टीम लगा दी गई है उनके घरों को और पूरे गांव को, और उस गांव के 3 किलोमीटर रेडियस में हम लोग कम्प्लीट सैनिटाइजेशन करेंगे और वहां के लोगों को अभी घर से बाहर या उस गांव में किसी को अभी जाने की अनुमति सिर्फ स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों, पुलिस के कर्मियों, प्रशासन के लोगों के अलावा हम लोग अनुमति नहीं दे रहे हैं, क्योंकि कम्युनिटी ट्रांसमिशन को रोका जा सके इसलिए ऐसा कदम उठाया जा रहा है। और उन लोगों को कोई भी कंज्यूमेबल की कमी ना हो इसका ध्यान रखा जाएगा। साथ ही मैं बता दूं कि अब ये ऐसा समय आ गया है महाराजगंज जनपद के लिए कि हम लोगों को और भी सतर्क रहने की जरूरत है। लॉकडाउन का पालन हम लोग जितना कर रहे थे उससे और भी ज्यादा हम लोगों को अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। सर, जनपद में कितने कोविड सेंटर बनाए गए हैं, कितने बेड के लिए कोविड सेंटर है? यहाँ पे L1 के लिए अभी एक ही सेंटर बनाया गया था, 30 बेड का था, अब हम लोग एक सेंटर मिनिमम और बनाएंगे। और इसके अलावा क्वारंटीन के लिए हमारा 100 बेडेड हॉस्पिटल था, एक और आज हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं 100 बेड का, जिससे कि हमारी फैसिलिटी बढ़ पाए। सर, जो पेशेंट पॉजिटिव पाए गए हैं उनको कम्युनिटी ट्रांसफर होने के लिए क्या प्रोसीजर है? जैसा मैंने बताया कि उनके गांव को कम्प्लीटली लॉकडाउन कर दिया गया है, वहां पे सैनिटाइजेशन कराया जा रहा है, आज शाम तक हम लोग उसको सफलतापूर्वक संपन्न कर लेंगे। इसके अलावा उनके फैमिली मेंबर्स को जो क्लोज कॉन्टैक्ट में थे उनको ले आया गया है कम्युनिटी, उनका क्लोज कॉन्टैक्ट में और कितने लोग आए होंगे उसकी ट्रेसिंग भी की जा रही है, उसका चार्ट बनाया जा रहा है। उन लोगों को भी क्वारंटीन में रहने की अपील की गई है। और इसके अलावा हम लोग और भी अपील अभी और कर रहे हैं कि जो विदेश से आए हैं 1 मार्च के बाद वो हमें जरूर नोटिफाई कर दें, और जो भी लोग तबलीगी जमात अटेंड करके आए हैं और जिसकी सूचना अभी हमारे पास नहीं है उनसे भी अपील है कि वो लोग भी अपनी सूचना हम लोगों को दें। तो जैसे कोरोना पॉजिटिव और भी यात्री रहे होंगे, क्या उनकी भी पुष्टि हो रही है? हाँ, हम लोग ट्रेन का पूरा डिटेल अभी एक एक कर निकाल रहे हैं और ये सूचना पहले भी भेजी जा चुकी है और फिर से इसको एग्जैक्ट डिटेल के साथ हम लोग भेजेंगे। सर, कोरोना दर्ज कराया गया इनके खिलाफ इसकी पुष्टि कर, चूंकि इन्होंने खुद से नहीं बताया था, हमें एक कम्युनिटी से लोगों ने बताया था, मैं उनका धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने हमें बताया भी टाइम पे। और चूंकि इन लोगों ने बताया नहीं था, सूचना छिपाई थी जबकि इतनी बड़ी घटना हुई थी, इसलिए उनके खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। कितने लोगों के खिलाफ हुआ? सभी के खिलाफ जो भी तबलीगी जमात से जितने लोग आए थे। सर, कोरोना पॉजिटिव जैसे केस देखा गया है और सर तो डॉक्टर की किट होंगे, वेयरिंग किट दे दिया गया है? हाँ, सभी किट अवेलेबल है हमारे पास और प्रोक्यूर भी किया जा रहा है, उनकी कमी नहीं आने दी जाएगी, ऐसा शासन से हम लोगों को सद्भावना मिलेगी।